अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जी आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, हम भी बिल्कुल ठीक हैं। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। तो जी आज बनाने लगी हूँ मैं कढ़ी। तो जैसे ही बनाऊंगी आपके साथ शेयर करूँगी। पहले सारा सामान इकट्ठा कर लेती हूँ। सारा मिर्ची हल्दी कितना सामान इकट्ठा करना पड़ा, फिर बैठ के पकेगा। करना याद ही नहीं रहा। तो जी ये आधा किलो बेसन, जैसे कि आप देख रहे हैं ये छन रहा है, आप देख रहे हैं। हाँ जी। तो जी मेरा ये आधा किलो बेसन है, जिसमें से मैं पकौड़ियों के लिए निकाल रही हूँ। मेरे बनाने हैं पकौड़े, कड़ी पकौड़ा बनानी है मैंने। तो ये और ये मसाला कड़ी के लिए। बन रही है कड़ी की लस्सी। इसमें डाले बेसन और लस्सी फेंट ली। अब बेसन फेंटेंगे लस्सी की तरह। कितने अच्छे से फेंट रहा है ये। उसी तरह मैं कर रही है मसाले की कटिंग। मसाला कटिंग हो जाएगा फिर उसके बाद कड़ी भी हमारी चढ़ जाएगी चूल्हे पर। बाहर का मौसम भी देख रहे हैं। लगा हुआ ताला। कितनी अच्छी खुशबू आ रही है लहसुन अदरक की। मसाले यही घर के हैं, कोई नया मसाला नहीं है, कोई कड़ी मसाला नहीं है। मसाले की बनाई हो चुकी है, ये देखें जी भुनी हो चुकी है। नमक डाल दिया है? नमक नमक मैंने उसमें डाल दिया। अच्छा। तो अभी इसी के साथ ये जो मैंने रेड कर रखा है उसमें शामिल करते हैं। बिस्मिल्लाह। तो जी हम इसको 2 घंटे के लिए पकाएंगे। 2 घंटे के लिए ये पकेगा। इतना हम बना लेते हैं ये पकौड़ों का सामान, पकौड़ों की तैयारी करते हैं। इसमें और पानी डलेगा? नहीं, बहुत पानी चले। तो जी इधर अम्मी करती हैं अब साथ ही पकौड़ों की कटिंग। हाँ। क्योंकि पकौड़ों में भी बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। हाँ। फ्राई करने, उनको काटना वगैरह। आओ मियां जी, बिस्मिल्लाह पढ़े। कैसे खुलेगी? बिस्मिल्लाह। बाकी कच्चे हैं थोड़े थोड़े हैं। हाँ। ये सुबह करिए खा ले, फिर बहुत खा लो। Thank you.
चले रख दिए ना, आ गए। अब सब फैमिली इकट्ठी होएगी। तो जी ये देखे जी मैंने तैयारी कर ली है। ये मैंने आलू काट लिए हैं, ये मैंने प्याज, हरी मिर्चें, हरा धनिया, मसाला, अब हम इसे करेंगे फ्राई। इसके बनाएंगे पकौड़े, ये देखेंगे आप। चल हो चुके हैं, हमारी कढ़ी भी तैयार हो चुकी है, ये देखेंगे हमारी हमारी घड़ी नहीं हमारी कढ़ी हमारी कढ़ी को 2 घंटे हो चुके हैं, ये देखो। तो जी ये फुल तैयार हो चुकी है। तो उतारते हैं नीचे, ये देखें जी। तो इसको पूरा कढ़ाई को रखते हैं, देखिए कितनी मज़ेदार सा कलर आया हुआ कढ़ी का। वो घी गर्म हो गया, अब डाल रहे हैं पकौड़े। आपको भी खुशबू आ रही होगी थोड़ी थोड़ी। क्या कर रही हो मैं? बनाया ये देखो, तैयारी की है घर की तैयारी कर ली। अच्छा अच्छा, पकौड़े भी बस आखिरी पूरा बस तल गए सारे। बंगाल में क्या क्या है? प्याज, मेथी, अजवाइन, अच्छा अच्छा, ये सूखी मेथी है, कसूरी, कसूरी मेथी, वो गरम मसाला है, और ये प्याज। गर्मी बहुत ज्यादा है, गर्मी में पकाना खाना बड़ा मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। क्यों ये बात मुश्किल है ना, चूल्हे के आगे बैठना, खाना बनाना बहुत मुश्किल है। और जो लकड़ियों पे बनाते होंगे उनका क्या हालत होगा? लास्ट पकौड़े हैं जो मैंने पूरे बना लिए हैं, ये देखे कैसे बने हैं, और आपने बताने हैं कि आप कैसे बनाते हो और मैंने कैसे बनाए हैं। पकौड़े मैंने निकाल लिए, इसी में मैं प्याज डाल दूंगी लाल के लिए। तो जी अम्मी डाल रही है इसमें पकौड़े, थोड़े से वैसे खा लेंगे, इसलिए बचा लो, बच्चे वैसे खा लेंगे। मैंने दे दी है रीपा को। दिए? हाँ। तो खा ले तो? बस सो रहे थे। और मेरे मियाँ जी को दिए? नहीं, रोटी के इंतजार में, रोटी खाएंगे, भूख लगी हुई है अब्बू को ना। कभी बना रहा है और रोटी भी बनी, रोटी भी घर ही बना। हरी मिर्चें भी डल गई हैं, और इसमें मैंने डाल दिया है गरम मसाला, इसमें ना डाल लूं क्या चीज? सालन इसमें तो गिर जाएगा ये तो। कैसे गिरेगा? ज्यादा डूंगी है ना ये, इसलिए गिर जाएगा इसमें से। ये मैं सोदिया से लाई थी, सोने की है ये। सोने की है? हाँ जी सोने की है, नजर नहीं आ रहा देखो कितनी चमक है, सोना नहीं नजर आ रहा है? ये देखिए मैं सोदिया से लाई थी जब मैं उमरा करने गई हूँ, कितनी प्यारी है, कितनी खूबसूरत है, ये देख ले। तो उम्मीद है आज का भी लोग आपको अच्छा लगा होगा, और अम्मी ने यहाँ बैठकर कुकिंग की है, और आपने बताना है कि आज अम्मी ने कैसी कुकिंग की है और किस
कितने मज़े की कढ़ी बनाई है, लाजमी आपने कमेंट करना। एक तो आप वीडियो देखते ही नहीं है, व्यूज़ ही नहीं आते बहुत। वीडियो ना बनाए, वीडियो बनाने छोड़ दे, यूट्यूब भी छोड़ दे, दिल करता है आप वीडियो ही देखते हैं। तो जी उम्मीद है आपको मेरा ब्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकॉन का बटन लाजमी दबाना ताकि आने वाली वीडियो मेरी आप तक पहुँच सके। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।